नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, खुशआमदीद। हमारे शो में इसका नाम है जॉब्स एंड करियर और मैं आपका दोस्त आसिम आबिदी। आप देख रहे हैं आपका नंबर चैनल टी टी वी। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जनाब शेख अब्दुल रहमान साहब, जो माशाल्लाह नहीं बल्कि अब से 19 ईयर से आप ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये पढ़ा है और माशाल्लाह इस काबिल बनाए हैं, जो बच्चे आजकल फ्यूचर में बहुत ही अच्छा पैसे भी कमा रहे हैं और साथ साथ बड़ी अच्छी पढ़ाई के साथ और भी आगे बढ़ रहे हैं। सर आपका इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं हमारे शो में। वेल नाज़रीन, अगर आपको किसी भी रिलेटिव अगर पढ़ाई के आपके हिसाब से अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जॉब के हिसाब से कौन सा जॉब आपके लाइफ में आपके आपके साथ आने वाला है आपके बेहतर लाइफ के वास्ते, बस इसी बारे में आज हम बात करें टोटली जॉब्स और करियर के बारे में। आइए पहले आपसे फिर से बस इस्तकबाल खैर मकदम। सर पहले ये बताइए, आप स्टूडेंट्स की अगर बात करेंगे आजकल तो तकरीबन लोग बीकॉम एमबीए और इंजीनियरिंग, तो इन बीकॉम के बाद एमबीए के बाद तकरीबन लोग जो दूसरा भी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग, तो ये ज़्यादातर देखने जा रही है चीज़। लेकिन एक चीज़ पूछूंगा कि इनके मुस्तकबिल में ज़्यादा क्या काम आने वाले, तो हर किसी कॉलेज चले तब पढ़ रहे हो आप, जाहिर सी बात है पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हो आप, क्योंकि आपके फ्यूचर को अच्छा करने के लिए ब्राइट करने के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके हिसाब से ज़्यादा पढ़ी जो आगे काम आएंगे क्या आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं टीटीवी का शुक्रिया अदा करूंगा कि अगेन यू नो दे हैव कंडक्टेड दिस प्रोग्राम, एंड सेकेंडली आई थिंक नाउ द प्रोग्राम इज़ इन लाइन विद द कंटेंट्स व्हाट वी आर डिलीवरिंग कंपेयर टू द लास्ट यू नो प्रोग्राम्स। रहा सवाल आपका ये कि आपका जो सवाल है मैं उसका चाहूँगा जवाब इस तरह से दूँ कि आई विल बेसिकली स्प्लिट द एजुकेशन टुडे, यू नो स्प्लिट द एजुकेशन इन टू टू एरियाज, वन इज द एकेडमिक साइड, द अदर वन इज द प्रोफेशनल साइड। तो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट को समझने के लिए और उनके पेरेंट को समझना, और फिर जो हाजरीन अभी जो है ना प्रोग्राम देख रहे हैं इस बात को जो है ना इस अहमियत के साथ समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि दे रियली स्टूडेंट एंड पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रियली अनअवेयर ऑफ वट इज़ द रियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू एरियाज। एकेडमिक प्रोग्राम्स वो होते हैं जो कैंडिडेट्स करते हैं 10th, 10+2, एक ब्लॉक ले लें आप इसको, दूसरा उसके आगे कैंडिडेट्स पढ़ते हैं, अगर कोई जो ना अगर इस्तेतात रखता है तो दे विल ऑफ कोर्स गो फॉर द प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, जिस तरह के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं या बी फार्मेसी के प्रोग्राम्स होते हैं दे गो फॉर द प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। उसके अलावा दूसरी स्ट्रीम वो है जो कैंडिडेट्स दे बेसिकली गो फॉर द 3 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम, जिसमें हम आप देखेंगे बी कॉम है, बी एस सी है, बी ए है, ये सारे टाइप के प्रोग्राम जो ना इसमें इंक्लूड होंगे। तो एक कैटेगरी हम ले लेंगे 10+2 का एक ब्लॉक जिसको हम बोलेंगे लोअर एकेडमिक बैकग्राउंड, दूसरा एक हम ब्लॉक और लेंगे उसको बोलेंगे हम नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स। नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स सारे वो ग्रेजुएट होंगे जो बीए, बीएससी, बीकॉम, इवन कंटिन्यूएशन टू दैट वो अगर कोई अगर आगे मास्टर्स भी करते हैं तो जी। तीसरा ब्लॉक हम लेंगे वो होगा टेक्निकल ग्रेजुएट्स। टेक्निकल ग्रेजुएट्स वो सारे तलबा, वो सारे तालिबे इल्म जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स या प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, 4 ईयर्स प्रोग्राम करते हैं, बी फार्मेसी करते हैं या फिर इंजीनियरिंग की कोई स्ट्रीम में जो ना पढ़ते हैं जी। तो एक सेक्टर आप ले लें एकेडमिक का, ये एकेडमिक के इस तरह के हम डिवीजन कर लें। ऑन द अदर साइड व्हेन यू लुक एट दूसरी साइड में जो है ना देयर आर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस व्हिच आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टुडे फॉर द जॉब। जैसे मैं पिछले प्रोग्राम्स में इसको डिस्कस किया हूँ तफसीलन, फिर मैं इस बार फर्दर उस पर जो ना फर्दर डिटेल में जो ना मैं चाहूँगा कि कुछ मजीद डिटेल दूँ उसमें। तो ये जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स है ये क्या है और इसकी क्या अहमियत है और ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि इफ़ कैंडिडेट्स फील के आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग और आफ्टर कंप्लीटिंग एनी ऑफ देयर एकेडमिक प्रोग्राम्स, जैसे भी मैं 3 ब्लॉक बताया हूँ 10 या 10+2 जी, या फिर रेगुलर ग्रेजुएट्स, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स जिसको हम कहते हैं, और फिर टेक्निकल ग्रेजुएट्स, ये 3 ब्लॉक आप ले लें, और अगर आप कैंडिडेट से पूछें कि भाई आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एकेडमिक वे डू यू फिट फॉर द जॉब जी, समझ रहे हैं जी। तो मैं क्वेश्चन को मैं टेकिंग इट फ्रॉम वेरी फार अवे, ठीक है ना, बहुत दूर से लेकर आ रहा हूँ ताकि आसान हो जाए कैंडिडेट्स को भी समझने के लिए, पेरेंट्स को भी समझने के लिए, और सबसे बड़ा उनको ये समझ में आया बड़ी बात ये है कि एक्चुअल इशू क्या है, बेसिकली व्हाट इज द इशू बिहाइंड, वेयर द इशू इज, व्हाई द कैंडिडेट्स आर बेसिकली यू नो नॉट गेटिंग जॉब्स। जैसे मैं पिछली बार बताया आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है कि 90% ऑफ प्रोफेशनल यू नो डिग्री होल्डर्स आर अनएम्प्लॉयबल, इट्स अ बिग कंसर्न। इंडिया का जो सर्वे है ये बता रहा है कि 90% ऑफ द प्रोफेशनल्स आर अनएम्प्लॉयड, इट्स अ बिग चैलेंज, यू नो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द एकेडमिक्स एडमिशंस एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स टू बेसिकली टू सी एज हाउ टू प्रोग्रेस इन द कैरियर, दे रियली डोंट नो, दे गेट स्टक, यू नो दे हैव कंप्लीटेड इंजीनियरिंग विद द इंटेंशन के भाई, विद द थॉट प्रोसेस के भाई आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इंजीनियरिंग प्रोग्राम दे विल बेसिकली परस्यू द जॉब्स। लेकिन यहाँ पर बच्चों को जो है ना, जैसे मैं आज खुद आज की बता रहा हूँ मैं काउंसलिंग के लिए, आई डिड द काउंसलिंग फॉर द बीटेक इंजीनियर्स,
मेरे पास आए, मैं बिना आई टॉक टू देम बेसिकली आई आस्क्ड देम व्हिच स्ट्रीम दे आर कमिंग फ्रॉम. दे सेड सर वी आर कमिंग फ्रॉम बीटेक सीएससी. मैं बोला कि भाई देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल व्हिच आर इन लाइन विद द बीटेक सीएससी, व्हाई डोंट यू अप्लाई. बोलते हैं कि सर आई एम लाइक यू नो ही इज हेसिटेंट टू से कि भाई व्हाट ही कैन डू व्हाट ही कैन नॉट डू. ओके, व्हेन आई टूक हिज सीवी आई आस्क्ड हिम दैट व्हिच जॉब यू थिंक यू कैन अप्लाई फॉर बेस्ड ऑन योर बीटेक, एंड रियली यू नो देयर इज नॉट अ सिंगल आंसर. क्यों, उसकी वजह क्या है, मतलब आएंगे इंशाल्लाह अपन डिस्कस करेंगे. जरूर जरूर जरूर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और मैं समझता हूँ कि जितने जो है ना नाजरीन अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, शायद और खासतौर पर गुलवा स्टूडेंट हजरात अगर देख रहे हैं, तो दे मस्ट बी यू नो फीलिंग कि भाई यस दिस इज वन ऑफ द पेन पॉइंट दैट वी आर फीलिंग टुडे. सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट कि ये बेसिकली प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे. तो मैं दूसरी बात बता रहा था मैं आपको कि भाई नाउ कमिंग बैक टू दी वन साइड वॉज एकेडमिक, जो मैं आपसे डिस्कस किया अभी एकेडमिक्स में जो मैं सारे ब्लॉग्स बताए आपको डिवीजन करके. दूसरे साइड में आई टॉक्ड अबाउट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस. व्हाट आर दिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस एंड इज इट रियली नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स टू परस्यू दोस प्रोग्राम्स, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ बीटेक सीएससी कैंडिडेट्स की. अगर कोई कैंडिडेट बोलता है सर मेरे को आई एम इंटरेस्टेड इन लेट्स से ओरेकल इज वन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और या फिर वो बोलता है कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ठीक है, तो विल कैंडिडेट सिंपली बाय सेइंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस विल ही गेट द जॉब, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई क्या कैंडिडेट को जॉब मिल जाएगा. वो खाली ये बोल दे कि भाई मैं बीटेक सीएससी कराऊं और मुझको सिस्को टेक्नोलॉजीज पे जॉब करना है. हार्डवेयर नेटवर्किंग में वन ऑफ द वेंडर इज सिस्को टेक्नोलॉजीज. ओके, क्या ये बोलने से उसको जॉब मिल जाएगा, क्या उसके एकेडमिक में ये पार्ट कवर हो रहा कि भाई हाउ टू वर्क ऑन द सिस्को प्लेटफॉर्म, हाउ टू वर्क ऑन द सिस्को टेक्नोलॉजीज, इज इट बीइंग कवर्ड ऑलरेडी इन द एकेडमिक प्रोग्राम और नॉट. तो यहां पर ये बात समझ में आ रही है कि ऑफ कोर्स दिस हैज नॉट बीन कवर्ड इन द एकेडमिक्स. वेयरएज अगर आप गल्फ की जॉब की रिक्वायरमेंट देखें या फिर आप इंडिया की भी रिक्वायरमेंट देखें, यू विल रियलाइज कि भाई वहां पर जब जॉब की रिक्वायरमेंट आती है दे विल बेसिकली आस्क कि भाई वी नीड लेट्स से सिस्को सीसीएनपी सर्टिफाइड, एक सर्टिफिकेशन है सिस्को का सीसीएनपी, या फिर लेट्स से सीसीएसपी सिस्को सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल. तो मार्केट में जब कंपनी वाले रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं, कंपनीज लाइक आईबीएम, लाइक माइक्रोसॉफ्ट या फिर सीमेंस या नोकिया, इस टाइप की जब कंपनीज में आप जॉब अप्लाई करते हैं, एंड व्हेन दे विल बेसिकली सेट द क्राइटेरिया इन द जॉब डिस्क्रिप्शन के भाई व्हाट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, वहां पर क्राइटेरिया में एक क्वालिफिकेशन आती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक ब्लॉक इन द सीवी देयर इज अ पार्ट कॉल्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वही मैं आपको अभी समझा रहा था कि ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है दिस विल बेसिकली हेल्प द कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब पोजिशन. इट विल हेल्प द कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब पोजिशन विच इज बींग गिवन इन द जॉब टाइटल एज ए जॉब टाइटल. तो आपका सवाल जो था ये आई बिलीव कि भाई ये उस खुलासा किया उस प्रोग्राम को. तो इस तरह के जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है हर इंडस्ट्री में हर कैटेगरी में नाउ डेज देर आर मेजोरिटी ऑफ द प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस आर अवेलेबल. कंप्लीटिंग परसुइंग दिस प्रोग्राम्स कैंडिडेट्स कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब. चलिए ठीक है, वेल अगर हम बात करें जॉब्स एंड करियर के बारे में, जैसा कि आपने सर से मालूमात की कि होता अक्सर ये भी है कि आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो आप अच्छे करियर करते हो, लेकिन तकरीबन जगह पे आपको जॉब्स नहीं मिल रहा, उसकी वजह क्या है और किस वजह से आपको जॉब नहीं मिल रहा समथिंग, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. अगर आपके पास कोई भी ऐसा सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर शो कर समय पे कॉल कर सकते हैं. जो भी आपका क्वेश्चन है अबाउट जॉब से रिलेटेड या फिर आपके जो भी करियर से तो हमें समय कॉल करिए, आपके टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर. बार बार शुक्र है. तो सर ये बताया कि जैसा कि आपने अभी हम बात करें जॉब्स की, तो जॉब्स में जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग एक काम करते हैं कॉलर से बात करते हैं. अस्सलामुअलैकुम. हेलो, अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. गुलाम तैयब बात कर रहा हूँ. ओके, आप प्लीज टीवी के वॉल्यूम कम रखिए. हेलो जी, चलिए ठीक है. बिफोर थ्री मंथ मेरा जॉब सिलेक्शन हुआ था रियाद का. ओके ओके, एज ए कैशियर. एज ए कैशियर कंपनी है, 1800 सैलरी कुछ बोले थे जी. मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है गल्फ कंट्री का, तो मुझे क्या करना चाहिए? ओके, बोलो. एज ए कैशियर का एक्सपीरियंस. तो आपको कैशियर का एक्सपीरियंस है मतलब? हेलो जी, आपको कैशियर का एक्सपीरियंस है? पहले से पहले कहीं गया है आपने वो जॉब? मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, अभी मेरा बीकॉम कंप्लीट नहीं हुआ, बीकॉम कर रहा हूँ मैं. बीकॉम? ओके, चलिए ठीक है.
वेल बीकॉम करते हुए भी आप चाह रहे हैं कि आपको ऑलरेडी एक 3 महीने पहले सिलेक्शन हुआ है एक गर्ल्स कंट्री में गर्ल्स कंपनी में, सो आप चाहते हैं कि क्या है? जी सो ये सवाल ये है कि वो कहने कि क्या मैं कर सकता हूँ फिर नहीं कर सकता, लेकिन अभी आपका बीकॉम ही चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी समझता हूँ मैं। देखिए बेसिकली सवाल का जवाब आपके पास है बेसिकली, इनफैक्ट यू हैव एन आंसर, द पर्सन इज हैविंग एन आंसर कि वेदर शुड आई गो फॉर द जॉब, अगर उनका ये सवाल है कि मैं जॉब के लिए मैं आगे बढ़ूं या नहीं, और बीकॉम ही कंप्लीट नहीं हुआ आपका, हाँ समझ गया मैं, तो मेरी तो एडवाइस ये है कि आप यू कंप्लीट योर एकेडमिक फर्स्ट, ठीक है अपनी एकेडमी कंप्लीट करें और आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी, अगर आप जिस तरह से अब जॉब के लिए ट्राई करें इंशाल्लाह ट्राई करें आगे भी आप। अगर आपका सवाल इससे रिलेटेड है कि भाई इस जॉब को परस्यू करने के लिए डू आई रियली नीड टू डू समथिंग एल्स, अगर सवाल ये है तो ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स लाइक यू नो ऑफ कोर्स बी कॉम से है और आप इसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं जिस फील्ड के बारे में भी आपने मेरे से सवाल पूछा तो यू नो देयर आर सर्टिफिकेशंस अवेलेबल इन दैट। चलिए देखिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के, एक और से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। ओके कॉल ड्रॉप हो गया है, तो अभी आप तुम जैसा कि सर ने कहा कि आप एक बेहतर ये है कि आप पहले अपनी जो स्टडीज है वो कंप्लीट करिए क्योंकि ऐसे समझता हूँ कि आप कंप्लीट करने के बाद भी जॉब्स बहुत सारे जाते हैं। ओके जॉब सर ये बताए कि हम जब कभी एक बात हमारे दो सवाल जो होते हैं इंटरमीडिएट पढ़ते हैं इसके बारे में हम और भी बाद में बात करेंगे, और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो। ओके बिकॉज जॉब हो गया है तो मैं कह रहा था कि हम जब कभी इंटरमीडिएट पढ़ते हैं तो तकरीबन जो हमारे दोस्त बिल्कुल इसके बारे में आगे क्या पढ़े बस यहाँ पर मैं बाहर जाके कहीं जॉब करता हूँ तकरीबन, सर आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग क्योंकि कुछ जिम्मेदारियाँ भी इनसे होती है तो ये जब बाहर जाते हैं तो क्या इससे कुछ अफेक्ट पड़ता है मतलब जॉब्स के लिए, कम से कम ग्रेजुएशन हो चाहिए, इंटरमीडिएट भी बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं लेकिन कुछ ऐसा कॉल। ओके कॉल से बात करते हैं। ओके हेलो। ओके ये भी कॉल ड्रॉप है जी जी। तो आपका सवाल ये है कि क्या इंटरमीडिएट करके जॉब के लिए जा सकते हैं। देखिए बात अगर फिर वापस ये आ रही है कि भाई सबसे पहले आपके घर के फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, दूसरी चीज हाउ इम्पोर्टेंट दैट यू नीड टू वर्क टुडे, डू यू हैव ए पैरेलल ऑप्शन वाइल डूइंग जॉब, कैन यू ऑल्सो परस्यू एकेडमिक्स। तो आज के वक्त आज की तारीख में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आपको एक ही है कि आप यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम, यू कैन यू नो अगर आपके रियली आपकी कंडीशन ऐसे है कि आप वेट नहीं कर सकते नेक्स्ट 3 years तक आने वाले 3 साल तक, जहाँ पे आपको 10+2 करने के बाद डिग्री के लिए 3 साल और वेट करना है और आपके घर के हालात आपको अलाउ नहीं कर रहे, तो यू हैव एन ऑप्शन दैट यू कैन टेक द जॉब एंड कंटिन्यू योर डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है ओके एक और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से कॉल किया है आपका नाम? जी मैंने मलकपेट से किया है, एजाज अहमद साहब जी। जी देखिए एजाज आपके लिए जवाब मेरा इस तरह से है कि अगेन बैक यू हैव टू लुक बैक योर यू नो सिचुएशन कि अगर आपको घर में पॉसिबिलिटी है आपको फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करने की तो माई एडवाइस इज आफ्टर डिप्लोमा यू विल गेट लेटरल एंट्री इनटू बीटेक सेकेंड ईयर और फिर आप बीटेक कंप्लीट करें कम से कम और फिर मास्टर के लिए आप मे बी यू कैन टेक एडमिशन एंड डू द पार्ट टाइम जॉब। अगर आपके घर के फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह की है कि यू नीड टू डू जॉब नाउ, तब सवाल ये होता है कि भाई आगे हाउ शुड आई परस्यू द कैरियर। तो उसमें भी बड़े ऑप्शंस तो वैसे आजकल बहुत सारे हैं कैंडिडेट्स को कि भाई दे कैन ज्वाइन द इवनिंग कॉलेजेस एंड दे कैन यू नो डे टाइम दे कैन वर्क और दे कैन ज्वाइन द डे कॉलेजेस एंड दे कैन वर्क इन द सेकंड शिफ्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये ऑप्शन भी है आपको इफ यू थिंक कि भाई आपके घर के फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे हैं कि भाई यू नीड टू डू द जॉब, देन यू कैन पैरेलली यू नो डू द जॉब इन फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ यू कैन डू द यू नो कोर्स और फर्स्ट हाफ यू कैन डू द कोर्स एंड द सेकंड हाफ यू कैन डू द जॉब। ये ऑप्शन है लेकिन मैं इससे बता रहा हूँ बार बार प्रायोरिटीज योर एकेडमिक्स, एकेडमिक्स को आप जो है ना फुल फोकस करें क्योंकि फ्यूचर में आपकी जो ग्रोथ होगी दैट विल बी बेसिकली बेस्ड ऑन योर एकेडमिक्स। आप सवाल जैसा पूछे कि 10th के बाद क्या हम 10+2 के बाद जॉब कर सकते हैं, बिल्कुल जॉब तो कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है एक कॉल से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी कॉल किया था गुलाम तैयब जी। जी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक मौल साहब से पूछा था कि एज ए बीकॉम ये तो अकाउंट सेक्शन है पूरा और इस्लाम में अकाउंटिंग जॉब करना जायज भी है, बोलते बोल रहे क्या ये सही है या गलत है, पूछना था। ओके चलिए ठीक है बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये कहने के इस्लाम में अकाउंटिंग का जॉब करना जायज़ है या नहीं है ये आपका सवाल है। अगर इस्लाम में अकाउंटिंग का जॉब करना अलाउड नहीं है तो फिर व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम्स व्हिच इस्लाम टॉक्स अबाउट, इस्लाम आल्सो टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम और ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये किस बुनियाद पे, ये दिस इज वन ऑफ द बेसिकली वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ यू नो
जो दुनिया जो इस्लाम की बुनियादें हैं उसमें ये वन ऑफ द मेजर पिलर है। या तो फिर इस्लाम ये बोल रहा होगा कि आप काम ही नहीं करो, आप पैसे ही नहीं कमाओ, ये बात थोड़ी बात भी आती है। फाइनेंशियल सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा तो फिर सिस्टम चलेगा कैसे? हाँ, ये बात अगर ये है कि भाई आप क्या बैंक में जॉब कर रहे हैं, जाकर कहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप, दैट डिपेंड्स बेसिकली। ठीक है, इस बार एक और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, बात करिए। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बात कीजिए जी, बात कीजिए। आपकी आवाज आ रही है दोस्त, आप बात कर सकते हैं, बात करें। ये मेरा बीकम कंप्यूटर कर रहा है, मैं करीमनगर से बात कर रहा हूँ। मेरे को हैदराबाद में क्या जॉब मिल जाए, मैं क्या जॉब कर सकते हैं, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपका बीकॉम कंप्यूटर्स वो कम्प्लीट हो गया, तो आप हैदराबाद में जॉब करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं करीमनगर का एक्चुअली, तो मैं हैदराबाद में क्या जॉब कर सकता हूँ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलिए, आप करीमनगर के रहने वाले हैं और क्या हैदराबाद में जॉब कर सकते हैं फिर, और क्या ये क्या सक्सेस हो ये कह रहे हैं आपसे, बस ये कम्प्यूटर का हैदराबाद में आके कुछ जॉब करना चाहते हैं, बीकॉम कंप्यूटर से आपने कोर्स किया? देखिए, सारे हमारे आज के डिस्कशन का ये मुद्दा यही है कि भाई जॉब्स एंड कैरियर। तो यहाँ पे मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि आज की तारीख में जस्ट डूइंग एकेडमिक इज नॉट एनफ टू गेट ए रेप्यूटेड जॉब। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छा जॉब मिले आपको, तो यू रियली नीड टू कैच अप विद वन प्रोफेशन और वन स्पेशलाइजेशन एज पार्ट ऑफ योर एकेडमिक, विच इज इन लाइन विद योर एकेडमिक। अगर आप बीकॉम करते हैं, आप एमबीए करते हैं, तो आप देखिए कि एमबीए और बीकॉम के लिए आज की तारीख में कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। पिछली बार मैं कुछ इस पे रोशनी डाला था इस सिलसिले में, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक प्रोग्राम है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अपार्ट फ्रॉम अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लरिकल जॉब्स, इसको बाजू रखते हुए बीकॉम और एमबीए वालों के लिए एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है, जिसमें भी गवर्नमेंट ये बताती है कि बाय 2020 इन इंडिया there will be about 2 million jobs in logistics industry. So logistics training में कई सारे specializations है again. And this is specially meant for the people coming from commerce and management background. तो जितने तलबा commerce and management background से है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस field के बारे में जो है ना थोड़ी सी detail लें, आप इसको समझें कि भाई what is the logistics all about, और what are the supply chain you know opportunities, कई सारे within supply chain again there are multiple opportunities, जैसे warehouse management हो गया, inventory management हो गया, procurement management हो गया, production management, channel management, operations management, there are multiple opportunities within supply chain. उसी तरह within international logistics management there are multiple specializations. A candidate can pursue those specializations and there are plenty of jobs. Let me give you an example के what are the job opportunities here. So, इस तरह से है कि आप देखिए, nowadays you are using a smart mobile. I think almost 80%, 90% everybody is using a smart mobile. Smart mobile पे we are so much used to it, we simply go to the applications like Flipkart or Snapdeal or इस type की online जो है ना shopping carts वगैरह. And basically you do the online shopping. यहाँ पर आप, मैं ये, this is one of the example. इस तरह के कई सारे examples हैं. तो यहाँ पर आप देखिए कि candidate, the basically the main industry which is working behind. आप ऑर्डर कर रहे हैं, यू आर ऑर्डरिंग ए मोबाइल, लेट्स से व्हाटएवर ब्रांड यू आर ऑर्डरिंग, डू यू नो वेयर दिस मोबाइल इज मैन्युफैक्चर्ड? कुछ अंदाजा है कि जो चीज ऑर्डर कर रहे हैं वो कहां, हु इज ऑर्डरिंग द यू नो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मोबाइल और टीवी और यू नो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एनी प्रोडक्ट यू ऑर्डर ऑनलाइन, डू यू नो दैट वेयर दिस प्रोडक्ट इज करंटली? रियली वी आर नॉट अवेयर ऑफ वेयर दिस प्रोडक्ट इज. यहाँ पर जो इंजन पीछे काम कर रहा था, द बैक एंड इंजन विच इज वर्किंग बिहाइंड, that is called supply chain and logistics. जी जी. Yeah, it's such a big industry which is booming now. And government, central government has started, you know, giving a special focus on logistics as we are expecting a huge job market in next, by 2020. About 2 million jobs, specialized jobs going to come in logistics industry. इसकी वजह से क्योंकि world has become a global village. The world has become a global village. Any person from anywhere can buy anything. यानी आप अगर यहाँ पर बैठ के यूएसए इफ यू वांट टू बाय सम प्रोडक्ट, यू कैन सिंपली गो टू मोबाइल एप्लीकेशन, जस्ट गो टू द एप्लीकेशन एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट. बहुत सही. चलिए ठीक है, और बात करते हैं इसके बारे में, कॉलर से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. ओके, बच्चा जो सो कंप्यूटर के कोर्स करेंगे हम जी, तो उसके लिए क्या जॉब चलता, क्या जॉब आगे हैदराबाद में क्या जॉब कर सकते हैं? कंप्यूटर में क्या करें वो, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या कोर्स करें उसका? सी
ग्रेजुएशन करे सीसी और डिग्री इनकम्प्लीट है समझो जी हाँ कंप्यूटर में पिछले क्या बोलते अपने कंप्यूटर के अंदर जो उसको हार्डवेयर नेटवर्किंग करे ग्लोबल नेटवर्किंग करे ओके चलिए ठीक है हम जरूर बात करेंगे ओके वेल क्या मेहदीपट्नम से GNIEEE से करे सर्टिफिकेट से चलिए ठीक है हम जरूर उसके बारे में बात करेंगे जी देखिए इंटरमीडिएट करें आपके लड़के साहब जी मैं सवाल सुनाऊं डिटेल में और मैं सबसे पहले तो जो ना ऑफ कोर्स अगर सवाल आपका ये है कि किस में जॉब करें तो मैं बोलूंगा कि जॉब उसी में करें जो कोर्स करें बहुत सही दिस इज वेरी सिंपल आंसर बहुत सही और सबसे पहला सवाल है कि ये कोर्स क्यों करें मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे पहला सवाल ये है कि आप ये कोर्स क्यों करें हु सजेस्टेड यू टू गो फॉर दिस एरिया दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन आज की तारीख में मेरे साथ पास कई सारे स्टूडेंट्स आके बैठते हैं बोलते हैं कि सर मैं ये करा हूँ और मेरे को जॉब नहीं मिल रही मैं पूछता हूँ कि भाई आप ये कोर्स क्यों करें किसने सजेस्ट किया व्हाई यू हैव डन दिस कोर्स देखिए इसका मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ फिर मैं वेलकम टू दी आंसर अगेन अगर आप बाहर निकलेंगे इफ यू सी दैट देयर इज अ ट्रैफिक इज जैम हेवीली ऑन द रोड व्हाट डू यू डू यू हैव टू ऑप्शंस वन इज उस रोड पे ठहरे जब तक सामने ट्रैफिक क्लियर ना हो दूसरा ऑप्शन है कि यू ट्राई टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेट जहां से रोड खाली हो यू ट्रेक दैट कट एंड देन यू ट्राई टू मेक ए यू नो वे आउट यू ऑलवेज डू इट राइट हम जहां पे भी जाते हैं अगर ट्रैफिक नजर आते हैं हम क्या करते हैं कोई ऐसी रोड लेना चाहते हैं जहां ट्रैफिक ना निकल जाए तो ये इसका मतलब क्या हुआ मैं ये जवाब क्यों दिया आपको सवाल आपका कुछ था और जवाब मैं ये दे रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए मार्केट में सबसे पहले असेस करना पड़ेगा कि मार्केट में जॉब की कौन सी मार्केट है जिसमें अभी करंटली जॉब्स अवेलेबल है ना कि वो मार्केट चूज करें आप जो ऑलरेडी कंजेस्टेड है आप ऐसी जाके ट्रैफिक उसकी ऐसी आप जो ना रोड पर जाके खड़े हो रहे हैं जहां पे ऑलरेडी देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक आप जो हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्सेज की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स दे आर रिक्वायर्ड एंड टू एन एक्सटेंट देयर आर फ्यू जॉब्स आल्सो अवेलेबल बट जो 90s में जो इसका दौर था हार्डवेयर नेटवर्किंग का इस टाइप के कोर्सेज का दैट टाइम इट वाज ऑन यू नो पीक अभी जो ना सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई और डिमांड इतना कम है मैं आपको एग्जांपल बताता हूं उसका क्या हो रहा है दुबई में मेरी कंपनी है वहां पे हम बिना एडवर्टाइजमेंट करें ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस ऑलमोस्ट 400 to 500 CVs कम्स आउट ऑफ दैट अराउंड 60% plus CVs आर सेइंग दैट दे आर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एंड MCSE सर्टिफाइड जिसमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट सारे मिलते हैं मेरे को हैदराबाद के यहाँ कहीं मिलते हैं हैदराबाद के ओके मैं भी इंटरनेशनल मार्केट में दुबई में बैठा हूँ मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जी तो या तो फिर आप पहले सवाल ये पूछे कि भाई मैं ये फील्ड चूज क्यों करा जैसे मैंने वैसे बताया था कि भाई यू नीड टू असेस द फील्ड मेरी एडवाइस ये है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आप जाके कोई भी कोर्स कर लें जस्ट जंप एंड स्टार्ट डूइंग द कोर्स नो आई वुड एडवाइज यू टू बेसिकली असेस व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द मार्केट हाउ डू यू असेस दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह आई विल गिव गाइडलाइंस ऑन दैट एज वेल कि जिस किस तरह से जो है ना असेस किया जाए कि कौन सी फील्ड चूज करना चाहिए कौन सी फील्ड चूज नहीं करना चाहिए अगर चूज करना है तो उसके बेसिस क्या होना चाहिए किस बेसिस पे हम उस फील्ड को चूज करें और फिर वी परस्यू द कैरियर इन दैट फील्ड गालिबन शायद ब्रेक का टाइम है तो हम हम बात करें दोस्तों जॉब्स एंड करियर की जी हाँ ये बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि जितने भी आजकल पढ़ रहे हैं लोग जितने यंगस्टर्स हमारे पढ़ रहे हैं आगे बढ़ने की कोशिश करें कुछ जो लाइक कुछ जो वे थे बस जैसा कि सर ने भी कहा कि हार्डवेयर नेटवर्किंग पहले बहुत वैल्यू थे अभी भी है लेकिन आप पहले ये मालूम करें कि भाई आपके फ्यूचर में और भी क्या चीज़ मालूम होने वाली है क्या क्या मालूम और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में होने वाले तो आज हम टोटली इसके ही बारे में बात करें जॉब सर्च करियर के बारे में हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं जनाब शेख अब्दुल रहमान साहब जो माशाल्लाह 19 ईयर से आपको चीज़ का इसमें नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कहूँगा पूरे गल्फ में भी आप हर जगह और माशाल्लाह आपके बहुत ही ज़्यादा ही तादाद में आपके स्टूडेंट जो आज माशाल्लाह बहुत ही बड़े बड़े मुकाम पे और बड़े बड़े जॉब्स कर रहे हैं वेल सर तो अभी इसके बारे में बात करेंगे जी हम अभी और भी कुछ इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे तो हम चाहते हैं कि आपके टीवी स्क्रीन पे जो नंबर शो करा आप हमें समझ पर कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके मन में सवाल हो लाइक आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं जॉब्स रिलेटेड या फिर आपके एजुकेशन से पढ़े से रिलेटेड बस हमें कॉल करिए और हमारे साथ सर मौजूद हो आप उनसे ज़रूर उसका आंसर देंगे तो सर अभी हम ये बात करते थे ओके सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन जो इंटरमीडिएट करके लोग बाहर चले जाने कमाने के जैसा कि घर के हालात देखते हुए आप ये बताएं सर जैसा कि ओपन यूनिवर्सिटीज जितने भी आजकल चल रहे हैं तो वो साल में आके भी एग्जाम दे सकते हैं उन्हें ओपन यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन है आप या फिर डिस्टेंस लर्निंग एक ऑप्शन है आप डिस्टेंस में ज्वाइन करें ओपन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के बजाय ओपन यूनिवर्सिटी का मामला ये है कि 10th के बाद यू कैन डायरेक्टली अपीयर आफ्टर राइटिंग एन एंट्रेंस एग्जाम यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर डिग्री प्रोग्राम वेयर एज मोस्ट ऑफ द गल्फ कंट्रीज दो डोंट एक्सेप्ट दिस डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी लेकिन ऐसा तो सुन रहे बाहर का बहुत वैल्यू होगी इसके भी बाहर बहुत वैल्यू है इसके भी समथिंग लाइक दैट नहीं देखिए आई वुड से दैट
if you don't have any other option, then something is better than nothing. इस perspective से आप open university को cover करें, consider करें. Otherwise, you go for the distance learning program. Okay. बास यूनिवर्सिटी से इंडिया में देखिए एक तो है आपका रेगुलर प्रोग्राम, रेगुलर डिग्री प्रोग्राम जो क्लास बेस्ड आपके क्लासेस होंगे जिसमें आप डेली आएंगे क्लासेस अटेंड करेंगे. दूसरा है डिस्टेंस लर्निंग, आपके वीकेंड पे क्लासेस होंगे या फिर सेल्फ लर्निंग होगी, आपको बुक्स मिल जाएंगे, आप स्टडी करें और साल में आके एग्जाम लिखें. तीसरा है आपका ओपन यूनिवर्सिटी जो बेसिकली 10th के बाद स्टूडेंट कैन डायरेक्टली ज्वाइन द डिग्री प्रोग्राम. आई डोंट एडवाइज द लास्ट ऑप्शन, ऑफकोर्स आई डोंट एडवाइज द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि जैसे बता रहा हूँ मैं आपको गल्फ की कुछ कंट्रीज है जहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी के डिग्रीज को दे डोंट एक्सेप्ट. However, having said that, अगर आपके पास कोई और alternate नहीं है, यानी 10th के बाद आप करके 4 साल हो चुका, 5 साल हो चुका, 10 साल हो चुका, और आप अब जो है ना कुछ करना चाह रहे हैं, डिग्री भी आप हासिल करना चाह रहे हैं, then if you don't have an option, then go for it. चलिए ठीक है, एक और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. खलील बात कर रहा हूँ जी. जी बात कीजिए. ये मैं बीकॉम डिग्री कर चुका हूँ, फाइनल ईयर चल रहा है जी. कहाँ से कॉल किया है आपने? सैप में क्या करना चाह रहे हैं? ओके, सैप में आप क्या करना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है, हम जरूर समझा देंगे जी. तो ये सैप करना चाह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपका बीकॉम में भी हो गया है, उसके में क्या करें? देखिए बेसिकली सैप में ऑफकोर्स देर आर अपॉर्चुनिटीज, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली सैप का जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, यू नीड टू ऑलवेज लुक एट स्ट्राइक द बैलेंस. आई वुड एडवाइस स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. आप ये देखिए पहले के सैप की जो अपॉर्चुनिटीज है, आर दोज एनफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल एट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विच आर कमिंग आउट, उसको बैलेंस करें आप पहले. और डू यू थिंक दैट यू नीड टू कंबाइन द सैप विद वन ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी डोमेन नॉलेज. दो चीजें यहाँ पे, एक है सैप बेसिकली, यू नो सैप एक टूल है, सॉफ्टवेयर टूल. जिस तरह सैप है उस तरह से कई और भी एप्लीकेशन है, बान है, पीपल सॉफ्ट है, देर आर मल्टीपल ईआरपी एप्लीकेशन आर अवेलेबल इन द मार्केट. तो ऑफकोर्स सैप इज वन ऑफ द फेमस एंड देर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो देर इन द सैप. बट आप ये देखिए कि आप जो भी प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं, पहले मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि उसको असेस करिए कि उसमें मार्केट में उसकी जॉब की ओपनिंग्स कितनी आती है. आप उसके असेसमेंट बहुत सिंपल तरीका है, यू स्टार्ट लुकिंग एट द न्यूज पेपर्स ऑफ लास्ट 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 1 month, 2 month. You will basically get to an idea कि भाई इसकी opportunities कितनी आ रही है और इसके पढ़ाने वाले कितने हैं और फिर इसके number of output जो candidates है वो कितने हैं. Based on that you can basically you know decide if this is the right program. चलिए एक और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. वालेकुम अस्सलाम जी. बात करें. हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बात कहिए. ठीक है, काम करते हैं, एक छोटे लेते हैं, छोटा वक्त जाएंगे बट समय भी के और अभी अवसर है.